नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 4 दिसंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले कल हमने आपसे एक सवाल किया था कि चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी लाहौल स्पीति, जो ये बिल्कुल सही आपका इसमें आंसर रहेगा। आज का सवाल है आपके लिए, हिमाचल महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी वो आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कांग्रेस सरकार धर्मशाला में मनाएगी एक वर्ष पूरा होने का जश्न, विधायकों व पार्टी नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। राज्य में कांग्रेस सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 11 दिसंबर को मनाए जा रहे जश्न के लिए विधायकों व पार्टी नेताओं को भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया है, ताकि इस रैली को सफल व ऐतिहासिक बनाया जा सके। इसके अलावा अब एक साल का समारोह धर्मशाला के पुलिस मैदान में होगा। पहले सरकार ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी में इस कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया था। रविवार को शिमला के राज्य अतिथि गृह पेटरोप में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें एक वर्ष के जश्न कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। इस रैली को व्यवस्था परिवर्तन का एक साल नाम दिया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता भाग लेंगे। रैली में 25 से 30 हजार की भीड़ जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के अनुसार विधायकों को भीड़ जुटाने के लिए टारगेट दिया गया है। इसके तहत धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा को 9 से 10 हजार लोगों को लाने का टारगेट दिया गया है, क्योंकि उनके गृह विधानसभा क्षेत्र में समारोह आयोजित किया जा रहा है। विधायक दल की बैठक में निर्णय लिए गए कि जश्न के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ब्लॉक स्तर पर बैठक करेंगे, साथ ही विधायकों को पंचायत स्तर पर बैठ के करने को कहा गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री विधानसभा स्तर पर बैठ के करेंगे तथा विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। और अब तो यहाँ की सरकार की भी कोई गारंटी नहीं है। अब 11वीं व 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी जुड़ेगा सड़क सुरक्षा का पाठ है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब 11वीं व 12वीं कक्षाओं में बच्चों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। परिवहन विभाग शिक्षा विभाग की मदद से ये पाठ्यक्रम 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए शुरू करेगा। मौजूदा समय में 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को पहले ही सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 12वीं पास करने के बाद बच्चा 18 साल का हो जाता है और वे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस बनाने के लिए भी आवेदन करते हैं, इसलिए उसके लिए जरूरी है कि सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों की जानकारी उसे हो, इसलिए पहल की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी सिंह बोली, पार्टी की मजबूती के लिए मंथन की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह ने कहा है कि 3 राज्यों में जनता ने भाजपा को बहुमत दिया है। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों पर उन्होंने कहा है कि इन राज्यों में हार के क्या कारण रहे हैं, इसके बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस दिशा में विचार करने की जरूरत है। पृथ्वी सिंह ने ये बात कांग्रेस मुख्यालय में कही है। उन्होंने कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव है, प्रदेश की 4 सीटों पर कांग्रेस अच्छे अंतर से चुनाव जीते, इसके लिए संगठन एकजुट होकर कार्य करेगा। सक्रियता से कार्य करने वालों को पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। करीब 5 महीने पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से इस बारे में भी आग्रह किया था, अब इस दिशा में काम हुआ, ये अच्छी बात है। बागवानों को सस्ती दरों पर सेब के 5 लाख पौधे देगी सरकार, विदेशों से नहीं होगा आयात। प्रदेश के बागवानों को सरकार उद्यान विभाग की नर्सरियों में तैयार सेब की उन्नत किस्मों के 5 लाख पौधे सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने इस साल विदेश से सेब के पौधे आयात न करने का फैसला लिया है। उद्यान विभाग की 35 नर्सरियों में सेब के करीब 10 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इनमें से उच्च गुणवत्ता के 5 लाख पौधे बागवानों को आवंटित करने की योजना है। 20 दिसंबर से ब्लॉक स्तर पर उद्यान प्रसार केंद्रों में ये पौधे उपलब्ध होंगे। हिमाचल सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के समारोह में आएंगे राहुल गांधी और प्रियंका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 11 दिसंबर को राज्य सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर जिला कांगड़ा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। ये बात मुख्यमंत्री ने हिमोड्डा के उपाध्यक्ष यशवंत चाष्टा की नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त करने ओकओवर पहुंचे समर्थकों को संबोधित करते हुए कही है।
कांगड़ा में पुलिस ने कार सवार युवक से बरामद की आधा किलो से अधिक चरस, साथी भी गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तो नूरपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार सवार एक युवक को 631 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। चरस के साथ पकड़े गए आरोपी की पहचान रविंद्र कुमार पुत्र ज्ञानचंद निवासी पट्टा जाटिया के तौर पर हुई है। नगर निगम सोलन कौन होगा मेयर, डिप्टी मेयर गुटबाजी सुलझाने के लिए कांग्रेस ने भेजे 3 पर्यवेक्षक। नगर निगम सोलन का महापौर और उप महापौर कौन होगा, इसका फैसला प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व लेगा। उधर भाजपा में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने रविवार को पार्षदों की गुटबाजी सुलझाने के लिए पूरी कोशिश की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के साथ देर शाम तक बैठक हुई। इस वेले कांग्रेस और भाजपा की कई बैठकें हो चुकी है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि दोनों ही पार्टियां आमने सामने की टक्कर में नहीं बल्कि पार्षदों की आपसी गुटबाजी में उलझी हुई है। रविवार को कांग्रेस के 3 पर्यवेक्षक उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह और सीपीएस संजय अवस्थी पार्षदों की गुटबाजी सुलझाने सोलन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विस्तार से चर्चा हुई है, फैसला हाईकमान पर सौंपा गया है, मुख्यमंत्री के समक्ष सभी बातों को रखा जाएगा। इसके बाद प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व भी महापौर और उप महापौर के नाम पर मोहर लगाएगा। कोशिश रहेगी कि 4 दिसंबर को महापौर और उप महापौर नगर निगम सोलन को मिल जाएगा। सीएम सुक्कू ने दिए संकेत, सरकार जल्द करेगी बोर्ड निगमों में नियुक्तियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने बोर्ड और निगमों में जल्द ही नियुक्तियां करने के संकेत दिए हैं। इसके तहत ऐसे कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी जो बीते 20 से 25 वर्षों से संगठन का झंडा उठाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई और युवा कांग्रेस से निकलकर कई कार्यकर्ता संगठन में आगे आए हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को ओकओवर में कहा कि कांग्रेस पार्टी व सरकार व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजरी और आने वाले समय में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल प्रदेश में विकास की गति तेज होगी और हिमाचल प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी 10 में से 3 ग्रांटों को पूरा कर दिया है। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सरकारी कर्मचारियों के मान सम्मान को बहाल करते हुए पुरानी पेंशन को लागू किया गया। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी के साथ युवाओं को निश्चित आय सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ साथ शिक्षा में व्यापक सुधार का वायदा पूरा करते हुए अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी अनिवार्य कर दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए आने वाले समय में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। वेतन विसंग की दूर न होने से एचआरडीसी कंडक्टर नाराज है। पिछले 12 दिनों से एचआरडीसी कंडक्टर प्रदेश में काले बिल्ले लगाकर विरोध जता रहे हैं। एचआरडीसी कंडक्टर यूनियन ने सरकार व निगम प्रबंधन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 5 दिसंबर तक सरकार व निगम प्रबंधन की ओर से वेतन विसंगति को दूर करने का कोई कदम नहीं उठाया जाता तो फिर 6 दिसंबर को एचआरडीसी कंडक्टर प्रदेश भर में रोष रैली निकालेंगे। खबर बिजली बोर्ड से ओल्ड पेंशन को आंदोलन की तैयारी, कर्मचारी यूनियन ने सरकार पर अनदेखी का जड़ा आरोप। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन वाली पर संशय लगातार बरकरार है। बोर्ड कर्मचारियों को रात के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ओल्ड पेंशन वाली को लेकर बोर्ड कर्मचारी अब बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन की वाली ना हुई तो संगठन बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही सरकार को बोर्ड कर्मचारी यूनियन अनदेखी के लिए बड़ा झटका दे सकती है। गौरतलब है कि बिजली बोर्ड में प्रदेश में इस समय 6,100 कर्मचारी और ये सभी कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के अधीन है। इनमें से 15 मई 2003 से मौजूदा समय तक 137 कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इन कर्मचारियों को अगर ओल्ड पेंशन का लाभ मिलता है तो इस पर 43 लाख रुपए प्रति माह खर्च होंगे, जबकि 6100 कर्मचारियों का एनपीएस शेयर 423 करोड़ रुपए प्रति माह कट रहा है। ऐसे में ओल्ड पेंशन से बिजली बोर्ड पर कोई भी वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन इस बात को कई मंचों पर दोहरा चुकी है। वेदर अपडेट, प्रदेश में 7 दिसंबर तक मौसम साफ, केलांग कल्पा में तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश की चोटियों में गत दिनों हुई बारिश बर्फबारी के बाद हिमाचल का पारा गिर गया है। इसके कारण प्रदेश में अब ठंड का प्रकोप पहले से ज्यादा हो गया है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में तापमान माइनस में पहुंच चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से मिली जानकारी के अनुसार लाहौल स्पीति के केलांग का न्यूनतम तापमान -4.2 डिग्री तक पहुंच गया है।
किन्नौर जिले के कल्पा में न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस है। तापमान गिरने से इन दिनों ठिठुरन बढ़ गई है। लोगों के घरों में लगे नलों में पानी जमना शुरू हो गया है। ऐसे में इन क्षेत्रों में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा की जीत पर हिमाचल में जश्न का माहौल, जयराम बोले अब मिला सुकून। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत से हिमाचल में जश्न का माहौल है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाजारों, सड़कों और पार्टी कार्यालयों में खुशी में लड्डू बांटे, पटाखे फोड़े और ढोल की थाप पर नाचते गाते हुए जश्न मनाया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में भी जश्न का माहौल रहा। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश ने कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के झूठ को नाकार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल आकर झूठी गारंटियां देकर गए थे और आज मुझे सुकून मिला जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है। स्वाभाविक रूप से जो हमारी उम्मीद थी कि नरेंद्र भाई मोदी जी का मैजिक आज से नहीं पिछले 10 वर्षों से इस देश में चल रहा है, देश में नहीं दुनिया तक वो चल रहा है और इसका असर निश्चित रूप से होगा जिन 4 राज्यों में चुनाव अभी होकर के आज इनके परिणाम निकले उसमें परिणाम में आपको देखने को मिला होगा। बहुत शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और निश्चित रूप से इस बात को मान करके चलिए कि ये दौर अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। 2024 में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सीटों का आंकड़ा पीछे की तुलना में और ज्यादा बढ़ेगा। देखिए पार्टी के कैडर में हौसला बढ़ता है। जो झूठी गारंटियों का एक दौर शुरू हुआ था जिस राज्य से, उसी राज्य में उसको दफन कर दिया। और खास तौर से मैं इस बात को मैं कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ की बात करूं जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रखे बनाए होते यहाँ के वहाँ के मुख्यमंत्री बघेल साहब और जो घोटाले वहाँ पर हुए, यानी कि कोयला घोटाला वहाँ पर हुआ, शराब घोटाला वहाँ पर हुआ, उसके बाद गोबर घोटाला वहाँ पर हुआ जो गारंटी का हिस्सा था उनका, और उसके बाद महादेव ऐप का और महादेव ऐप के घोटाले के तार जो है वो इस प्रकार से निकल रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन की जो फंडिंग हुई है, जो पैसा दिया गया है वो सारा उसमें जुड़ा हुआ है। उसमें मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस उसमें चली हुई है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएँ लांघ दी थी। राजस्थान में लाल डायरी का क्या मतलब है, 19 पेपर वहां पर लीक हुए और लाल डायरी आप गूगल में भी टाइप करेंगे और 508 अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे छत्तीसगढ़ और वहां राजस्थान में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनके भ्रष्टाचार के सारे नमूने आपको उसमें मिलेंगे। इसलिए उन सरकारों को उखाड़ फेंकना बहुत आवश्यक था। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात हमको इस बात की भी है, मध्य प्रदेश जहाँ 18 वर्षों से भाजपा की सरकार चल रही थी वहाँ फिर भाजपा की सरकार सत्ता में आई है। मैं ये इस बात को लेकर के मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, 2024 में हम 4 सीटें तो जीतेंगे ही, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के हौसले जो बहुत बुलंद हुए थे कुछ दिनों में, कुछ वक्त से, कुछ प्रदेशों के एकाधे प्रदेश के चुनाव के पश्चात वो हौसले अब पस्त हो गए। अब सीधा उनको मालूम पड़ गया, महसूस हो गया ये गारंटियों का झूठा जो प्रचार उनने करके रखा था उसका जो उसकी हवा निकल गई है। जाकर के यहाँ के नेता दूसरे प्रदेशों में जाकर के भाषण दिए जा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में हमने 10 की 10 गारंटियाँ हमने लागू कर दी, और मैं तो हैरान हुआ वहाँ छत्तीसगढ़ में जाकर के वहाँ के जो मुख्यमंत्री जो हाँ जिनकी सरकार चले गई आज, वो भाषण में बोल रहे थे अपने कि हिमाचल प्रदेश में मैंने गारंटियां शुरू की और एक साल अभी हुआ नहीं सरकार को और हमने गारंटी पूरी की। एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई और अब तो यहाँ की सरकार की भी कोई गारंटी नहीं है